नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। तमिलनाडु की घटना को लेकर बिहार में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विजय सिन्हा ने कहा है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या हो रही है। तमिलनाडु पुलिस झूठ बोल रही है कि इस तरह की घटना नहीं हुई। तमिलनाडु मामले को लेकर हंगामे के बीच तेजस्वी यादव ने कहा है कि वहां कोई हमला नहीं हुआ है, भाजपा और मीडिया अफवाह फैला रहे हैं। इस पर बीजेपी ने तेजस्वी को खुली चुनौती दे दी कि अगर हमले की बात गलत होगी तो वे सदन में खड़े होकर माफी मांगेंगे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट डायरेक्टर को डाक से आई चिट्ठी में प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति भवन समेत देश के अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर ड्रोन से हमले की बात कही गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद वाराणसी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस डाक विभाग के माध्यम से यह पता करने की कोशिश कर रही है कि धमकी भरी चिट्ठी कहां से भेजी गई और किसने भेजी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के खिलाफ मेन फ्रंट बनाने की बात कहते रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार कांग्रेस की तरफ से देख रहे थे कि कांग्रेस अगर साथ आता है तो विपक्ष मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में जा सकता है, लेकिन अब इस मेन फ्रंट की बात में लगता है कि उतना दम नहीं रहा, क्योंकि नीतीश कुमार के द्वारा बार बार कहने के बाद भी कोई बड़ी पार्टी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अब ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह दी है। इससे नीतीश के मेन फ्रंट को झटका लगा है। साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे, स्कैमर्स नए नए तरीकों से पैसा चुरा रहे। सबसे आम तरीका एसएमएस स्कैम, जिससे लोगों को बरगलाया जाता रहा है। बैंक अकाउंट सीज कहकर डराया जाता और एसएमएस पर आए लिंक पर क्लिक करने को भी कहा जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक फिशिंग एसएमएस लोगों तक पहुंचा रहा है। ध्यान रहे कि बैंक कभी भी पैन विवरण, ओटीपी, यूपीआई, वीपीए, ग्राहक आईडी और पासवर्ड, कार्ड नंबर, एटीएम पिन और सीवीवी नहीं मांगेगा। इसलिए कृपया पर्सनल डिटेल्स को शेयर ना करें। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से हिंसा के मामले पर बिहार विधानसभा में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि तमिलनाडु में हुए हिंसक हमलों में 12 मजदूरों की मौत हो चुकी है। नीतीश कुमार वहां स्पेशल टीम भेजकर सभी को सुरक्षित लेकर आए। विपक्षी सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान कुर्सियां उठाकर तख्तियां लहराई हैं। इसके बाद स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने संसदीय कार्य मंत्री को हंगामा करने वाले सदस्यों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। एक वीडियो पोस्ट करके इस तरह का दावा किया गया कि राशन कार्ड धारकों को 1 मार्च से गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। इस वीडियो में बताया गया कि केंद्र सरकार को 1 मार्च से राशन कार्ड धारकों को गेहूं देना बंद कर देगा। इसे 13 दिन पहले अपलोड कराया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ट्वीट के जरिए लिखा टेक्निकल ब्लॉग नामक यूट्यूब चैनल से एक वीडियो में इस तरह का दावा किया गया है। पीआईबी ने इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। भारत सरकार ने इस तरह के कोई फैसले नहीं लिए हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने का अवसर खो दिया है। नीतीश कुमार ने जदयू को राजद के हाथों गिरवी रख दिया है। सरकार के सभी निर्णय राजद ले रही है। बिहार को गिरवी रखने की कोशिश भी हो रही है। बिहार को गिरवी रखे जाने से बचाने के लिए ही उन्होंने नई पार्टी का गठन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर है। राहुल गांधी ने बुधवार को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने देश को मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया तो भारत में उनकी जासूसी किए जाने की भी बात कही है। हालांकि इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब कांग्रेस नेता ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ भी की। मार्च की शुरुआत में गर्मी के धमक को देखा जा रहा है। गर्मी से आम और लीची के फसल पर भी अधिक प्रभाव पड़ना तय है। अभी से आने वाले दिनों का अंदाजा लगाया जा सकता है। रबी की पैदावार संकट में है, पेड़ में कीड़े भी लग रहे हैं, लेकिन कीड़े के साथ ही फसलों को गर्मी की मार भी झेलनी पड़ रही है। झारखंड की अर्थव्यवस्था कोविड के झटकों से उभरकर पटरी पर आ गई है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट को देखें तो राज्य में विकास दर कई मायनों में देश के औसत से बेहतर है। कोविड काल में झारखंड की अर्थव्यवस्था देश के अन्य हिस्सों से कम प्रभावित हुई थी। चीन द्वारा एलएसी पर बीते कुछ सालों में हुई सीज फायर उल्लंघन को लेकर भारत ने आज चेताया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारत में लगातार संघर्ष की चीनी घटनाओं के चलते हम हमेशा तैयार रहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि एलएसी पर यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के किसी भी प्रयास को हम पूरा जवाब देंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लंदन दौरे पर, उन्होंने शुक्रवार को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संबोधन दिया। अपने व्याख्यान के दौरान शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए जरूरी संस्थागत ढांचा बाधित होता जा रहा है और भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर हमला हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उनकी जासूसी करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल कर रही है। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए शुक्रवार को राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर सकते हैं।
साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धर्म धाम सम्मेलन का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि और 6 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी जो मनीष सिसोदिया के जेल जाने के तत्काल बाद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, वो केजरीवाल के इस घोषणा के बाद से ही उन पर और हमलावर हो गई है। इसे लेकर चौधरी अनिल कुमार ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों के घर घर जाकर उनके भ्रष्ट मंत्रियों की ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने के खिलाफ कांग्रेस भी एक अभियान चलाएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लोगों के घर घर जाकर उनके भ्रष्ट मंत्रियों के कारनामे से जनता को अवगत कराने का काम करेगी। डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में नहीं वापस आना चाहिए तथा उसके नेता नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। यही उनकी पार्टी का रुख है। चेन्नई में जब संवाददाताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के इस सुझाव के बारे में उनसे पूछा कि द्रमुक प्रमुख को राष्ट्रीय परिदृश्य में उभरना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वह तो पहले से ही राष्ट्रीय राजनीति में है। भोजन से लेकर ईंधन, दवाओं, घर और कपड़ों तक सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर जगह लोग वन्य जीव और जैव विविधता आधारित संसाधनों पर निर्भर है। ऐसे में अगर वन्य जीव लुप्त होंगे तो आने वाले समय में इंसानों पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। इसी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से सबसे पहले विश्व वन्य जातीय दिवस मार्च 2014 को मनाया गया और इसे आज तक मनाया जा रहा है। पिछले 8 महीनों में उद्योग विभाग में एक खास परिवर्तन देखा गया है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 66 बड़ी टिकट परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की विशेष सचिव सुमिता डाबरा ने कहा है कि इन परियोजनाओं की कुल लागत 5,00,000 करोड़ रुपए होगी और इन प्रोजेक्ट का काम करने के लिए आगे की प्रक्रिया को पूरी की जा रही है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बजट और मंजूरी दोनों दे दी गई है। इन प्रोजेक्ट की मंजूरी में पीएम गति शक्ति ने बड़ी भूमिका निभाई है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा की तथा कथित अस्थायी राजदूत विजय प्रिया नित्यानंद ने सफाई दी है। पिछले हफ्ते जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में एक कार्यक्रम में बोलते हुए विजय प्रिया ने कहा था कि बलात्कार के आरोपी नित्यानंद को परेशान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। विजय प्रिया ने स्पष्ट किया कि तथा कथित यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा ने भारत से उच्च संबंध रखे और भारत को अपने गुरु पीदम के रूप में सम्मानित किया है। चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। खतरा इसलिए भी क्योंकि चीन ने एक हाथ से 70 करोड़ डॉलर की खैरात दी तो दूसरी तरफ भूखे मरते पाकिस्तान के दिमाग में भारत के खिलाफ जंग का फितूर भर दिया। बॉर्डर पर पाकिस्तान फिर हरकत में है। लगातार उकसाने वाली गतिविधियों को अंजाम दिया जाता रहा है। पिछले एक हफ्ते में भारत पाकिस्तान के 8 ड्रोन को ढेर कर चुका है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का स्वागत करते हुए बृहस्पतिवार को कहा है कि यह आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है। संविधान पीठ ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस समिति की सलाह पर की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। देश की अदालतों में लंबित पड़े करोड़ों मामलों को लेकर कानून मंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने चिंता जाहिर की है। मामले जल्द से जल्द निपटाए जाए इसके लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों में मामलों को सुना गया, लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कहा है कि वह देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के मौजूदा प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट नहीं है। उन्होंने जांच एजेंसी और फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को मजबूत करने की वकालत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए पोस्ट बजट वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए लीक से हटकर सोचना होगा, दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान यह भी कहा कि आज का नया भारत नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बार भी बजट की खूब वाहवाही हुई है, देश के लोगों ने इसे पॉजिटिव तरीके से लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने बृहस्पतिवार को रिपोर्ट जारी कर बताया कि उत्सर्जन में रिकॉर्ड वृद्धि के पीछे वजह वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में 0.9% की बढ़ोतरी है। IEA के मुताबिक ऊर्जा उत्पादन के लिए दुनिया भर में कोयले का इस्तेमाल बढ़ा है। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि वह साझा चुनौतियों से निपटने, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने और बाजार अर्थव्यवस्थाओं व लोकतंत्रों के लिए एक पारदर्शी व नियम आधारित व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए भारत से साझेदारी करना जारी रखेगी। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक गतिशील व महत्वपूर्ण व्यापार तथा निवेश संबंध साझा करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत के पास पारंपरिक ज्ञान का विशाल भंडार है। कुछ स्वार्थी लोगों ने प्राचीन ग्रंथों में जानबूझकर गलत तथ्य जोड़े हैं जबकि कुछ ग्रंथ गुम हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो चीजें पहले छूट गई थी उन्हें नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किए गए सिलेबस में जोड़ा गया है।
बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने शेयर पंप एंड डंप में सेबी की कार्रवाई की पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपने और पत्नी मारिया गोरेटी के खिलाफ शेयर बाजार में ट्रेंडिंग पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर सफाई पेश की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मुझे शेयर बाजार के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं और अन्य निवेशकों की तरह मेरी भी गाढ़ी कमाई एक झटके में डूब गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है जिसमें भारतीय भगोड़े नित्यानंद की ओर से तथा कथित यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में भाषण दे रही है। अब इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र ने अपना पक्ष रखा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि काल्पनिक देश कैलासा की प्रतिनिधि की बातों को नजरअंदाज किया जाएगा। पिछले सप्ताह जिनेवा के सार्वजनिक सभाओं में कैलासा के प्रतिनिधि द्वारा दी गई दलील अप्रासंगिक है। जिनके भी इनकम टैक्सेबल है उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है। वह इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए कमाई होना जरूरी है। लोगों के कमाई के कई साधन हो सकते हैं। ऐसे में जब भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें तो अपने कमाई के सभी साधनों की जानकारी जरूर दें। इससे इनकम पर टैक्स की गणना करने में भी आसानी रहेगी और साथ ही साथ किसी भी जुर्माने से बचा जा सकता है। क्वाड ग्रुपिंग ने आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए समूह के फोकस को तेज करने के लिए काउंटर टेररिज्म पर एक कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की है। क्वाड ग्रुपिंग में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत देश शामिल है। नई दिल्ली में जारी किए गए क्वाड नेताओं में से एक संयुक्त बयान में आतंकवादी प्रॉक्सी के इस्तेमाल की निंदा की गई। साथ ही मुंबई में 26 से 11 के हमले सहित आतंकवादी हमलों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता की बात भी कही गई, जिसमें सभी क्वाड देशों के नागरिकों की मौत हुई थी। नेपाल ने भारत को एक बार फिर से टेंशन दी है। नेपाल में भारतीय करेंसी से सामान खरीदना मुश्किल हो गया। नेपाल की सरकार ने 100 से ऊपर की करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे नेपाल में खरीदारी को जा रहे भारतीय लोग बैरंग वापस लौट रहे हैं। नेपाल के बदले व्यवहार से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र के लोग आक्रोश में हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखा दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रविशंकर, स्वर्णेश्वर कुमार, कुशलेंद्र कुमार, एमडी साकिर हुसैन, नुन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, अखिलेश यादव, महेंद्र कुमार, एमडी नौसाद राजा, रवि कुमार, अर्जुन राम, सुमित कुमार पासवान और महमूद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सोशल मीडिया पर अक्सर भ्रामक खबरें फैलती रहती हैं, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।